नमस्ते, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 10वीं कक्षा वाक्य के भेद। देखो कि वाक्य के भेद हमें किस प्रकार कृति पत्रिका में आते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं, और उसका जवाब किस प्रकार लिखना है ये भी हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आंकड़ा 10 में निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए, ऐसा सवाल आता है और उसके लिए एक अंक है। अब देखो कि प्रश्न क्रमांक 4 10 आंकड़े में जो पहला आंकड़ा है वो है रचना के आधार पर, और दूसरा आंकड़ा जो है वो है अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यहाँ दो वाक्य दिए जाएंगे, एक का जवाब लिखना है, यहाँ एक वाक्य दिया जाएगा उसका जवाब लिखना है, दोनों के लिए एक एक अंक है। ठीक है, तो देखो कि आज हम रचना के आधार पर किस प्रकार भेद पहचानते हैं ये आज देखने वाले हैं। जैसे कि काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ, इसका जवाब हमें ढूंढना है या लिखना है, तो किस प्रकार लिखते हैं इसको जानने से पहले आज जरा हम इस पर गौर करते हैं। देखो कि वाक्य के भेद, पहले वाक्य किसे कहते हैं ये देखते हैं। सार्थक शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं, है ना, मतलब ऐसा शब्द का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो भेद है, एक रचना के अनुसार, दो अर्थ के अनुसार, मतलब रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ऐसा ही हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं रचना के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद है, एक सरल वाक्य, दो संयुक्त वाक्य, तीन मिश्र वाक्य। ठीक है, अर्थ के अनुसार जो है ये 8 है, ये हम बाद में देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में केवल रचना के अनुसार ये देखने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है वही आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, रचना के अनुसार वाक्य भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब देखो कि इस पर मैंने बहुत ही डिटेल से एक अलग वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम प्रश्न के माध्यम से उत्तर कैसे लिखने इस पर गौर करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इसकी जानकारी लेते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है ना, केवल ये क्रिया है। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं, वो अलग अलग अर्थ के होते हैं और इसका समुच्चय होता है, मतलब संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से बने हुए होते हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, और, पर, ये शब्द अगर उस वाक्य में आते हैं तो निश्चित वो वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, जैसे बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। देखो कि यहां बादल आए अलग अर्थ का वाक्य है, पानी नहीं बरसा अलग अर्थ का वाक्य है, और किंतु ये जो अव्यय है समुच्चय बोधक उसने इसे इकट्ठा किया है, मतलब ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब देखो मिश्र वाक्य, एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, मतलब दूसरा वाक्य गौण होता है या उपवाक्य होता है। देखो कि ऐसे जो वाक्य होते हैं जब तब, जो सो, इस प्रकार से बने होते हैं, मतलब एक मुख्य वाक्य को दूसरा उपवाक्य होता है, ज्यादातर इसमें अल्प विराम आता है ना, जैसे जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा, इस प्रकार वाक्य है। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या फर्क है, बहुत से छात्र इसमें जंबलिंग करते हैं कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब देखो कि मैंने क्या कहा है कि जिस वाक्य में अल्प विराम होता है वो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, अब कभी कभी अल्पविराम नहीं आता है तो कैसे पहचाने, अब इनमें क्या फर्क है ये मैं आपको स्पष्ट कराता हूं कि श्याम पाठ पढ़ता है और संकेत सुनता है। अब संकेत सुनता है और श्याम पाठ पढ़ता है, इसका कोई एक दूसरे पर आधारित वाक्य नहीं है, ये अलग अलग अर्थ के वाक्य है और इस समुचे बोधक अव्यय ने इसे इकट्ठा किया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है उसके बाद अल्पविराम दिया जाता है और दूसरा वाक्य गौण होता है, जैसे संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया,
इस वाक्य को लेकर ये उसका आधार बना है, मतलब ये मुख्य वाक्य है और ये गौण वाक्य है या उपवाक्य है। ठीक है, कभी कभी अल्पविराम नहीं आता है तो भी ऐसा पहचानना है कि इसी के आधार पर दूसरा वाक्य होता है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। अब देखो कि निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए, ऐसा सवाल है। और सवाल ये है कि काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं। अब देखो कि यहां एक मुख्य वाक्य है, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी, ये मुख्य वाक्य है, और मैं वह काम कर रही हूं ये गौण वाक्य है, मतलब उपवाक्य है। इसके आधार पर यह वाक्य बना है, इसी को लेकर यह वाक्य बना है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, देखो इसमें एक ही क्रिया है इसलिए यह सरल वाक्य है। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया, देखो यहां पर शब्द आया है और पर शब्द के बाद बच्चों को आनंद आया अलग अर्थ का वाक्य है। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी अलग अर्थ का वाक्य है, पर ने जोड़ दिया है, संयुक्त किया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, अब यह मिश्र वाक्य है। कैसे, देखो उमा से कह देना कि, मतलब उमा से कह देना मुख्य वाक्य है, जरा करीने से आए ये उपवाक्य है, इसके ही आधार पर बना है इसलिए ये मिश्र वाक्य है। मैंने कोई पाप नहीं किया और न ही कोई चोरी की है, अब यहां और आ गया है, संयुक्त वाक्य। किसी लड़के को पुरस्कार मिला था, एक ही क्रिया है, सरल वाक्य। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और घर चले गए, और आ गया है, संयुक्त वाक्य, है ना। और आ गया मतलब क्या है, घर चले गए अलग, मजदूरों ने गड्ढा खोदा अलग अर्थक वाक्य, और ने जोड़ दिया है, संयुक्त वाक्य। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, संयुक्त वाक्य, है ना। हमने गहने पहनने छोड़ दिए थे, सरल वाक्य है। ठीक है छात्रों, तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।